सांसद वीरेंद्र कश्यप ने केंद्र सरकार के 4 सालों को स्वर्णिम बताया। सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नए आयाम स्थापित किए हैं। मोदी सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, गरीबों से लेकर किसानों तक सभी वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं जिसका उन्हें लाभ मिल रहा है। जिला सोलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लोगों को लाभ होगा व इससे अब लोग अपने बेहतर उपचार करवा पाएंगे। उन्होंने लोगों से डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर लाभ लेने की बात कही और कहा कि सभी के पास मोबाइल फोन है और लोग उसका सदुपयोग कर डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ें, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आ सके। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में भी उनके कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों में शिमला संसदीय क्षेत्र में 4,20,00,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्य हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभ दे रही है और 2022 तक 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। सिटी चैनल से बात करते हुए सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में अनेकों योजनाएं बनी हैं व 4 साल बीत जाने के बाद भी उन योजनाओं के बेहतर लाभ हर वर्ग को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न वर्गों में योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है और हमें खुशी है कि जितने बेनिफिशरीज इस दौरान जो हमको मिले हैं उनको उसका लाभ मिला है और साथ ही साथ कुछ योजनाएं जो हैं वो किसानों के लिए भी, जैसे कहा गया कि 2022 तक जो है वो मोदी सरकार अपने किसानों का जो है वो इनकम डबल करना चाहती है, उसके लिए हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और उसका फसल बीमा योजना, बैंकों के लिए लगभग 11,00,000 करोड़ रुपए का जो है क्रेडिट जो है वो बैंकों को दिया गया और इसके साथ साथ गरीब लोगों का जो है वो इस देश में स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमा हो तो उसके लिए भी आयुष्मान भारत जो है वो योजना लाई गई है और इसके अंतर्गत हम 10 करोड़ परिवारों को यानी लगभग 50 करोड़ लोगों का जो है वो 5,00,000 का वार्षिक यानी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करने जा रहे हैं जिसका लाभ सीधे सीधे तौर से गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।